नमस्कार दोस्तों, आईटीआर का सीजन यानी आईटीआर भरने का सीजन अब आ ही रहा है और ज्यादातर इंडिविजुअल एसएससीज को 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न्स भरनी होंगी, तब जबकि आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि क्यों ना मैं जनता जनार्दन तक एक इम्पॉर्टेंट विषय पहुंचाऊं, कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल फाइलिंग आईटीआर। और बहुत सी बार दोस्तों ऐसी गलतियां हमसे रह जाती हैं जिनका ध्यान हम आईटीआर भरते समय नहीं रख पाते या नहीं रखते, और ये गलतियां बाद में भारी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। न केवल डिमांड निकालता है बल्कि उस डिमांड पर इंटरेस्ट और पेनल्टी तक लगने की संभावना रहती है। तो ये कौन सी गलतियां हैं, इन गलतियों को आप किस प्रकार ध्यान रख सकते हैं कि ये गलतियां आपसे ना हो, इसी विषय को लेकर के आज की इस वीडियो में आपके समक्ष हाजिर हूं। तो दोस्तों मैं टू द पॉइंट बात करूंगा आपके सामने, सीधे स्पष्ट रूप से अपने मंतव्य को, अपने ओपिनियन को रखता जा रहा हूं कि ज्यादातर गलतियां जो रिटर्न्स में देखने में आती हैं वो होती हैं क्लेमिंग इनकरेक्ट डिडक्शंस और एग्जम्पशन। कि जब हम कोई डिडक्शन क्लेम करते हैं, मान लीजिए हमने सेक्शन 80C में कोई डिडक्शन लिया 1.5 लाख रुपए का, या हमने कोई HRA का एग्जम्पशन क्लेम किया, या हमने 80D का डिडक्शन क्लेम किया, 80DD में कोई डिडक्शन क्लेम किया, डोनेशंस के डिडक्शन जब 80G में क्लेम करते हैं, तो बहुत से लोगों से गलतियां हो जाती हैं कि आपने जिस संस्था को डोनेशन दिया आपको 50% अमाउंट का डिडक्शन मिलना था और आपने 100% का डिडक्शन ले लिया। 80C में आपको डिडक्शन मिलता है जब आपने एक्चुअल पेमेंट किया किसी LIC कॉन्ट्रीब्यूशन का, PPF कॉन्ट्रीब्यूशन का। मान लीजिए आपका प्रीमियम ड्यू हो गया था, आपने पेमेंट नहीं किया, फिर भी आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब आप किसी डिडक्शन को क्लेम करने जा रहे हैं अपनी आईटीआर में, तो सुनिश्चित रहिए कि आप जो डिडक्शन का अमाउंट क्लेम कर रहे हैं वो लॉ के पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। और यदि यहां पर आपने गलती करी और ये गलती कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पकड़ में आती है, तो हमें न केवल टैक्स पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा बल्कि पेनल्टी भी लगेगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट गलती हमें ध्यान रखनी है कि हमसे रिटर्न भरते समय ये ना हो। अब दोस्तों अगली गलती जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब हम होम लोन का बेनिफिट क्लेम करते हैं, दो बेनिफिट्स आप लोग क्लेम करते हैं रिटर्न भरते समय, एक सेक्शन 24 क्लॉज बी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन लेना, और दूसरा प्रिंसिपल का जो रीपेमेंट आपने किया है उस प्रिंसिपल रीपेमेंट का सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम करना। अब कुछ गलतियां जो इस संदर्भ में एसएससीज एट लार्ज से होती हैं, नहीं होनी चाहिए, वो इस प्रकार से हो सकती हैं कि जब हम इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो हम उस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जिसके हम ऑनर है, यानी अगर हम प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं है तो वी कांट क्लेम डिडक्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब कुछ लोग मुझे यहाँ पर कहते हैं कि अनूप जी, मान लीजिए मेरी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी है या मेरे स्पाउस के नाम पर प्रॉपर्टी है और मैं डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ, तो क्या ये गलत होगा? प्राइमा फेसाई सर, जब तक दूसरे स्पाउस ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया और आपके कंट्रीब्यूशन से ही होम लोन का पेमेंट हो रहा है या मकान खरीदा गया है, देन यू आर प्राइमरली एंटाइटल्ड टू क्लेम द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल बोथ। बट प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट इफ यू आर नॉट पेइंग EMI, आप EMI का भुगतान नहीं कर रहे और आप इंटरेस्ट प्रिंसिपल का डिडक्शन लेना चाह रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार का फॉल्ट है, इसके प्रति भी हमें सतर्क रहना चाहिए। सो होम लोन का बेनिफिट क्लेम करने में किसी प्रकार की चूक ना हो, ये अपनी रिटर्न भरते समय आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। अगली गलती दोस्तों आपके सामने रखता हूं, व्हाइल रिकनसाइलिंग फॉर्म 26AS विद द ITR। बहुत सी बार ये देखा है कि सब्सिक्वेंटली जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई डिमांड लेकर के आता है तो एसएससी ये पाता है कि सर मेरे 26AS में और ITR के फिगर्स में मिसमैचिंग है, और मैं इसे और लार्जर कॉन्सेप्ट पर लेकर के जाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में और आपके ITR में गैप है। तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अपनी ITR भरने से पहले आपने 26AS की सारी एंट्रियां और जो आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसकी सारी एंट्रीज, इनको आपने रिकनसाइल कर लिया है और आपने ये सुनिश्चित कर लिया कि आपकी जो इनकम आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो 26AS से मिलान करके की गई है या वो इन रिकनसिलेशन टू द AIS ड्यूली मैच करती है। एक और कॉमन मिस्टेक जो मैंने आनन फानन में होती देखी है लोगों से, वो क्या है सर, कि आजकल भारतवर्ष में, हमारे देश में बहुत सारे लोग सिक्योरिटी मार्केट के ट्रांजेक्शन करते हैं,
पर वो फिर भी आईटीआर वन भरे जा रहे हैं। यानी आईटीआर वन आप तब भर रहे हैं जब आपकी सैलरी इनकम है और थोड़ी बहुत अदर सोर्स की इनकम है। तो आप अपनी आईटीआर में शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन की कोई रिपोर्टिंग करते नहीं, क्योंकि आपको आईटीआर टू भरना है। और बहुत से लोगों को लगता है कि अरे क्यों हम शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन बताएं, हमें तो वहां लॉस हो गया ना। नहीं नहीं सर, आपको लॉस हो गया तो भी आपको रिटर्न में तो वो अमाउंट बताना है, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो सेल वैल्यू से इनकम का नोशन पकड़ लेता है। और आजकल AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में सिक्योरिटी मार्केट के ट्रांजेक्शंस की वैल्यू दिख रही, सो प्लीज बी कॉशियस ऑन दैट कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी मार्केट ट्रांजेक्शन किए, चाहे गेन हुआ लॉस हुआ, अपनी रिटर्न में बताएं। आपने कोई संपत्ति बेची तो आप कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग जरूर करें। कुछ लोग मानते हैं कि सर मैंने संपत्ति बेची, दूसरी खरीद तो ली, तो अब क्या दिक्कत है। नहीं नहीं सर, अगर आपने कोई रियल एस्टेट बेची है तो आपको अपनी आईटीआर में वो ट्रांजेक्शन बताने हैं। इसी प्रकार दोस्तों, बहुत सी बार देखने में आया है कि जब एफडी का इंटरेस्ट से विदाउट टीडीएस आपको मिल गया तो रिटर्न में नहीं बताया, या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 से कम का था, हमें लगा साहब इतने की तो छूट मिल जाएगी, रिटर्न में नहीं बताया। मेरा मानना है नहीं सर, आपको अपनी इंटरेस्ट इनकम जो भी आपके खाते में आई है या ड्यू हुई है, ड्यूली अपनी आईटीआर में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। इस संदर्भ में हमसे गलती ना हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली एक गलती जो बिजनेसमैन से होती है या किसी ऐसे एसएससी से होती है जो कि अपनी सैलरी पेड इनकम नहीं बता रहे हैं, उनके पास सैलरी का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वो एक प्रिजम्प्टिव बेसिस पर इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 44AD में रिटर्न भर रहे हैं। तो 44AD में रिटर्न भरते समय आपको ये ध्यान रखना है सर कि आप वहां टर्नओवर जो दिखा रहे हैं वो टर्नओवर कहीं जीएसटी की जद में तो नहीं आता। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि लोगों की एक्चुअल इनकम नहीं है, लेकिन वो एक आइडियल रिटर्न भरना चाहते हैं ताकि कभी भी कोई काम पड़े लोन वोन के पर्पज से, तो वो उस रिटर्न को काम मिले। तो सर आप अगर 44AD में स्वयं रिटर्न भर रहे हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू भर रहे हैं, तो आप उस रिटर्न के रेपरकशंस को समझें, परिणाम को समझें, और फिर वो सेक्शन 44AD की रिटर्न भरें। मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों, जब आप किसी सीए के थ्रू, टैक्स एडवाइजर, टैक्स एडवोकेट के थ्रू रिटर्न भरें, तो क्वेरी पूछना ना भूलें कि सर मैं ये जो रिटर्न भर रहा हूं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इस रिटर्न का मतलब क्या है। जब आप इस प्रकार से एक सतर्क रूप में रिटर्न भरेंगे तो आपको उस रिटर्न के परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। अन्यथा बहुत सी बार लोग गलत नेचर ऑफ रिटर्न दिखाने से, गलत नेचर ऑफ इनकम दिखाने से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के समक्ष एक प्रकार से पेनल्टी के लिए लाइबल हो जाते हैं या क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। सो ये गलती ना हो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक आपके सामने रख रहा हूं, नॉट एनालाइजिंग द बैंक स्टेटमेंट। मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को ये बात कहता रहता हूं कि सर जब आपको रिटर्न भरनी है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट लेकर के जरूर आइए, बैंक स्टेटमेंट मेरे जैसे किसी सीए को, टैक्स एडवाइजर को जरूर दिखाइए। बहुत सी बार लोग आजकल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज करके रिटर्न भर देते हैं, उसमें बैंक स्टेटमेंट देखने जैसी कोई बात नहीं होती। ऑनलाइन पोर्टल से जब रिटर्न भरी जाती है तो वो सिंपली आपका फॉर्म 16 लेते हैं और कोई इनकम आप बताते हैं तो वो रिटर्न भर देते हैं। जबकि मेरे जैसे लोग पहले एसएससी का बैंक स्टेटमेंट व्यू करेंगे, और ये काम आपका भी है कि आपके बैंक स्टेटमेंट में क्या एंट्री आई पर्टिकुलरली क्रेडिट की, मैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। और ये क्वेश्चन से मुझे समझ में आता है कि साहब आपने मान लीजिए खाते में कैश जमा कराया, उसका सोर्स क्या था, किसी से गिफ्ट लिया, क्या उसकी टैक्सेबिलिटी तो नहीं है, कोई एकदम लमसम एंट्री आई, कहीं वो संपत्ति बेचने से तो नहीं आई। जब तक आपका बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली एनालाइज नहीं है सर, तब तक रिटर्न भरने का वो यूटिलाइजेशन नहीं आ पाता या वो सेंस नहीं मिल पाता जो रिटर्न भरने से होना चाहिए। सो यू हैव टू प्रॉपरली एनालाइज योर बैंक स्टेटमेंट बिफोर फाइलिंग आईटीआर। इफ यू विल स्किप दिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस देन नेचुरली यू मे बी फाइलिंग अ रिटर्न विच मे नॉट बी अप टू मार्क। दोस्तों कुछ अदर मिस्टेक्स जो होती हैं एक बार आपके सामने ब्रीफली रखता हूं। क्लबिंग के प्रावधान एप्लीकेबल हैं, माइनर सन या डॉटर के नाम पर कोई इनकम आ रही है और वो इनकम मैंने अपनी रिटर्न में लेने से छूट गई। रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑफ प्रोविजंस, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ लॉसेस को सेट ऑफ किया, से लॉन्ग टर्म लॉसेस को शॉर्ट टर्म गेन से सेट ऑफ कर लिया। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, पर रिटर्न के फॉर्म में ऐसा हो गया आपसे, तो बाद में डिपार्टमेंट उसको एरर मानते हुए आपसे उस पर्टिकुलर मैटर में डिमांड क्रिएट कर सकता है। क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89 विदाउट फाइलिंग फॉर्म 10E। बहुत से लोगों को जब एरियर ऑफ सैलरी मिलता है
और वो एरियर ऑफ सैलरी का क्लेम तो 89 की रिलीफ क्लेम करते हैं, लेकिन फॉर्म 10 ही फाइल नहीं करते टाइमली, उसकी वजह से भी डिपार्टमेंट रिटर्न में गलती मानते हुए डिमांड क्रिएट करता है। क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ न्यू स्लैबरेट विदाउट फाइलिंग फॉर्म 10IE। जब न्यू स्लैब का बेनिफिट क्लेम करते हैं तो आपको ITR भरने की ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10IE भी ऑनलाइन भरना है। अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा तो आपका न्यू स्लैब अलाउड नहीं होगा, ये भी एक गलती ना हो आपको ध्यान रखना है। रिकंसिलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड GST टर्नओवर, इसकी एक हिंट मैंने 44AD वाले स्लाइड में भी दी थी और यहां फिर बोलूंगा सर, कि आपके इनकम टैक्स के टर्नओवर जो आप यहां दिखा रहे हैं और GST के टर्नओवर वो मैच करने चाहिए। अगर वो मिसमैच है तो आप मान के चलिए कि आपके रिटर्न में वो गड़बड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा और आपको कल उस पर क्वेरी करेगा। सो ऑल दीज मिस्टेक्स आर फ्रॉम द एक्सपीरियंस विच आई हैव गेन इन द पास्ट एंड दिस एक्सपीरियंस आई वॉन्टेड टू शेयर यू सो दैट यू कैन ऑल्सो गेन फ्रॉम इट, कि आपसे ये गलतियां ना हो। एट द एंड माई डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट द व्यूज विच आई हैव एक्सप्रेस देयर, येट दे आर नॉट द फाइनल व्यूज, क्योंकि और भी बहुत सी गलतियां हो सकती है जो रिटर्न भरते समय किसी असेसी से रह जाए। लेकिन मेरा पर्पज ये था कि ITR भरने के इस सीजन में जब आप ITR भरने बढ़े, और मेरा कहना है कि आप ITR सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर भरने की जगह किसी कंसल्टेंट के थ्रू भरें ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो कंसल्टेंट आपको इन सारे पैरामीटर्स पर आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए रिटर्न भर सके। सो व्हेन यू विल फाइल योर रिटर्न इन सच अ मैनर बाय आस्किंग द क्वेश्चन टू योर कंसल्टेंट, गेटिंग द सॉल्यूशन टू दोज क्वेश्चन, देन प्रोबेबली देयर विल बी मिनिमम पॉसिबिलिटी एंड आई कैन से नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ एरर, एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन योर रिटर्न। आई होप यू ऑल विल गेट एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।